हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आप देख रहे हैं शेफ मानीपुरी चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूं ऑथेंटिक चिकन ग्रेवी। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 किलो प्याज लिया लमसम। आप इसको स्लाइस कर लीजिए, ऐसे रफली स्लाइस, जैसे हम कर रहे हैं आप भी ऐसे ही स्लाइस कर लीजिए एकदम फाइन स्लाइस कर लीजिए। सारी प्याज को ऐसे ही स्लाइस करने के बाद हमने सारी सारी प्याज को ऐसे ही स्लाइस कर लिया है। लगभग हमारा 2 किलो प्याज है। आप एक बाउल में ऐसे रख लीजिए। हमारा ये प्याज कट गया है। अब हम टमाटर करेंगे, 5 पीस टमाटर कम से कम ग्रेट करेंगे। टमाटर प्याज स्लाइस करने के बाद हमने 5 पीस टमाटर लिया, इसको हम ग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे काट लेंगे, 2 भाग में करने के बाद इसको हम ग्रेट करेंगे। काटने के बाद हम इसको ग्रेट करेंगे ग्रेटर में। ऐसे ही सारा टमाटर आप भी ग्रेट कर लीजिए। अब हमने 5 टमाटर को ग्रेट कर लिया है। अब टमाटर ग्रेट हो गया है, अब हम चलते हैं चिकन ग्रेवी बनाने की ओर। तब तक कढ़ाई, हम जो भी आपके पास बर्तन है आप बर्तन चलाइए, मैं कढ़ाई में बनाऊंगा चिकन की ग्रेवी। हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमने गैस जला लिया है। थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तेल डालेंगे। लगभग हमने 300 ग्राम इसमें तेल डाला है। हमारा 3 किलो चिकन है। थोड़ा मैं तेल ज़्यादा ही रखूँगा क्योंकि हमें ग्रेवी बनाना है, चिकन की ग्रेवी। अब हमारा तेल गरम हो जाएगा जिसमें मैं मसाला डालूंगा, जो कि हमारे पास मसाले हैं। हमारा जीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, सूखा मिर्चा, दालचीनी, लौंग, स्टार फूल, ये सब मसाले मैं पहले इसमें डालूंगा। उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगा, ओनियन जो काट के रखी है 2 किलो ओनियन, वो डाल के मैं इसको अच्छे से ब्राउन करूंगा। मेरा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं अच्छे से ब्राउन करूंगा। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डाल के हम इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हमारा मसाला हो जाएगा तो जो हमने प्याज लिए अब प्याज डाल देंगे इसमें। अब प्याज को अच्छे से हम ब्राउन करेंगे, ठीक है। अब हम प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे हाई फ्लेम पे। अच्छे से प्याज मेरी ब्राउन हो रही है। जब तक ब्राउन होएगी प्याज तब तक हम इसके लिए गर्म पानी चढ़ा लेते हैं। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमने गर्म पानी चढ़ा दिया है, जो कि हम चिकन डालने के बाद चिकन ग्रेवी में डालेंगे पानी। इसके लिए हमने पानी गर्म कर रखा है, हम ठंडा पानी नहीं डालते, हम गर्म करके ही पानी डालते हैं। अब लगभग हम इसमें 3 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक इसलिए डालते हैं ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। पहले नमक डालने का यही कारण है, प्याज अच्छे से गल जाएगी। लगभग हमारी प्याज अब ब्राउन हो गई है, अच्छे से ब्राउन हो गई है। थोड़ा और ब्राउन हो जाएगी। थोड़ा सा और ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हम एक डब्बू डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कम से कम एक डब्बू, और अच्छे से इसको भी मिलाएंगे, खूब बढ़िया से मिलाएंगे। अच्छे से इसको मिलाने के बाद जब हमारा लहसुन पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम गरम पानी, जो कि हमने चढ़ा रखा है।
अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून गया, तो हमने इसमें पानी लगाया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। हम हाथ से मसाला डाल रहे हैं, लगभग 3 टीस्पून आप हल्दी, थोड़ा सा व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी देगी मिर्च कम से कम 5 टीस्पून भर के। उसके बाद हम थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 2 स्पून, 2 स्पून धनिया जीरा पाउडर, लगभग 3 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा क्रश काली मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डाल के हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको अच्छे से चलाते हैं, आपको एक चीज़ बता दें, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैं चिकन नहीं बना रहा हूँ, मैं चिकन ग्रेवी बना रहा हूँ अला कार्ट के लिए, जो कि जैसे चिकन मसाला, चिकन टिक्का, ये सब में हम लोग यूज करते हैं रेस्टोरेंट में। अब इसमें हम 2 डब्बू पानी डालेंगे। पानी डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे, मतलब चला लेंगे इसको अच्छे से। अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर, जो कि हमारे पास रखा हुआ है, ये देखिए जो हमने ग्रेट करके रखा था, वो टमाटर को हम ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर इसमें हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि प्याज का जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर से खट्टापन आता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम टमाटर डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे, हम अपना चिकन ऐड करेंगे। जब ये मेरा टमाटर अच्छे से भून जाएगा, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, एक एक करके हम सारा चिकन इसमें ऐड कर लेंगे अच्छे से। करीबन 3 किलो चिकन है। आप भी आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइए। हमने सारा चिकन अच्छे से ऐड कर लिया है इसमें। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे ऐड करने के बाद। अब सारा चिकन हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट आप अच्छे से इसको पकाइए, जैसा कि हमने पकाया है। आप भी इसको अच्छे से ऐसे ही पकाइए 10 से 12 मिनट। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, 100 ग्राम दही हम ऐड करेंगे चिकन में। अब दही ऐड करेंगे, दही ऐड करके अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और जब मेरा दही अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब मेरा दही अच्छे से मिल गया इसमें, अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। किचन किंग डालेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर खुद का बनाया हुआ 1/2 टीस्पून, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला। डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। आप भी डालिए कोकोनट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कोकोनट पाउडर से। कोकोनट पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर, थोड़ा केवड़ा वाटर खुशबू के लिए, बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है। आप भी थोड़ा रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर डाल दें। रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर डालने के बाद आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लें। उसके बाद गरम पानी डालेंगे, जो कि हमने बॉयल कर के रखा हुआ है। अब इसमें हमने गरम पानी डाल दिया है, आप भी गरम पानी डाल लें। गरम पानी डालने के बाद हम सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, क्योंकि हमारा चिकन अच्छे से पक गया है। आप भी इसको सिर्फ 5 मिनट के ही लिए बॉयल करें, क्योंकि हमने 15 मिनट तक चिकन को भुनाई की, उसमें ही चिकन आधा ज़्यादा पक चुका था। इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन से पैक करके हम इसको 5 मिनट के 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद हम इसको गैस को बंद कर देंगे। चिकन अच्छे से पक गया है। अब हमारा चिकन अच्छे से पक गया, हम एक एक करके चिकन को निकाल लेंगे। आप भी ऐसे ही एक एक करके चिकन को निकाल लीजिएगा, जैसा कि हम निकाल रहे हैं। चिकन निकाल लेना, निकालने के बाद इसका मसाला हम अलग करेंगे। आप भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा एक एक करके। अब हमने चिकन अच्छे से निकाल लिया है इसमें, आप भी बॉल में ही सारा चिकन निकाल लें ऐसे ही। अब जो खड़े मसाले हैं और जो प्याज हमने डाली थी उसको अच्छे से निकाल लेना है आपको ऐसे करके।
अच्छे से बढ़िया से खड़े मसाले निकाल लेना है, और प्याज ऐसे एक बॉल में निकाल लेना है। एक बॉल में निकालने के बाद आप जो भी खड़े मसाले हैं इसमें खड़े मसाले निकाल के फेंक देना है, और बाकी जो ये प्याज व्याज है इसको मिक्सर में हम अच्छे से पीस लेंगे। अब हमने अच्छे से मिक्सर में इसको पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम इसको इसी में डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हमारी ग्रेवी ठीक हो गई है, पहले से थोड़ा गाढ़ी हो गई है ग्रेवी, बहुत अच्छी हो गई है ग्रेवी। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया ग्रेवी हो गई है। ये ऑथेंटिक चिकन ग्रेवी हमने बनाया है आज। अब इसको आप बॉल में निकाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप आराम से 2 से 3 दिन तक चला सकते हैं ग्रेवी को। ग्रेवी नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं उतना ही बनाता हूँ जितना रोज़ ख़त्म हो जाता है मेरा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।